आपका क्वेश्चन है इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1 बाय 9 एंड नाइन्थ टर्म इज 1 बाय 7 फाइंड इट्स 63rd टर्म। ठीक है, तो ये क्या है आपका सेवेंथ टर्म, दैट मींस ए 7 इज इक्वल टू 1 बाय 9। तो ए 7 क्या होता है हमारा, ए प्लस 6d इज इक्वल टू 1 बाय 9। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, 9a प्लस 54d इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर इसने क्या कहा, एंड नाइन्थ टर्म इज 1 बाय 7, नाइन्थ टर्म इज 1 बाय 7, दैट मीन्स ए 9 इज इक्वल टू 1 बाय 7। ए 9 को कैसे लिखते हैं हम लोग, ए प्लस 8d इज इक्वल टू 1 बाय 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7a प्लस 56d इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, हम दोनों में से एक चीज इक्वल करेंगे, या तो ए को इक्वल करेंगे या डी को इक्वल करेंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि ए को इक्वल करें। ए को इक्वल करने के लिए इस पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। ठीक है, जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 63a प्लस 7 into 54 कितना हुआ, 7 4 28, 2 कैरी, 7 5 35, 37, 37d इज इक्वल टू 7। ये हो गया। अब 9 के साथ इसको करेंगे तो क्या होगा, 9 7 63a प्लस 9 6 54, 5 कैरी, 9 5 45 प्लस 5 is 50, d इज इक्वल टू 9। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे a के, ये दोनों को कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये हमारा कट जाएगा, ये देखो कितना आ रहा है, 4 यानी 14, 14 माइनस 8 कितना हुआ 6, यहां पर 9, 9 में 7 गया 2, यहां पर 4, 4 में 3 गया 1, साइन इज माइनस, डी इज इक्वल टू माइनस। तो माइनस माइनस कैंसल, व्हाट इज डी, डी इज इक्वल टू 2 बाई 126। कट करेंगे तो आएगा हमारा 63, 1 बाई 63, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 63। ठीक है, डी हमारा 1 बाई 63 आया। अब हम इसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आएगा, 7a प्लस 56 इंटू 1 बाई 63 इज इक्वल टू 1। ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था, तो हम इसको 7 से कट करते हैं, ये आएगा हमारा 8 और ये आएगा हमारा 9। तो 9 एलसीएम अगर हम लेके चलते हैं, या एलसीएम ले लो या एलसीएम नहीं लेके इसको राइट साइड में लेकर जाओगे तो भी आंसर सेम आएगा, 7a इज इक्वल टू 1 माइनस 8 बाई 9, 1 माइनस 8 बाई 9। ठीक है, तो 7a क्या हो गया हमारा, 7a इज इक्वल टू 9 माइनस 8 बाई 9। तो 7a क्या हो गया हमारा, 1 बाई 9।
तो ए कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 1 बाई 63, ए भी 1 बाई 63 है और डी भी हमारा 1 बाई 63 है। तो इसने क्या कहा, फाइंड इट्स 63rd टर्म, 63rd टर्म निकालना है हमको। तो 63rd टर्म क्या होता है हमारा, ए 63 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा कितना है 1 बाई 63 प्लस एन कितना है हमारा 63, 63 माइनस 1 इज 62 इंटू 1 बाई डी इज 1 बाई 63, दोनों का एलसीएम इज 63 है ना। तो हमारा आ गया 63, तो 1 प्लस 62 दैट इज इक्वल टू 63 बाई 63। तो हमारा क्या आ गया, ए 63 इज इक्वल टू 63 बाई 63, कट करेंगे तो हमारा आएगा 1, 1 इज योर आंसर। ठीक है।